ओके स्टूडेंट्स, हमारे प्रैक्टिकल्स का लास्ट ग्राफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, और ये ग्राफ ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है. मुश्किल इन द सेंस के इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ग्राफ बनेगा, और उसके अलावा उसमें से हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ भी निकालनी है. ओके, ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा बिटवीन टाइम, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो टेम्परेचर था उस हॉट बॉडी का वो हम लोगों ने प्लॉट करना है. और हमें बात पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. टाइम इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट से जो है हम लोग इस ग्राफ को ये देखें कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा होगा. ओके, और फिर उससे हम लोग कूलिंग कॉन्स्टेंट भी कैलकुलेट करेंगे. तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम आ रहा होगा और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर आ रहा होगा. ये लैंडस्केप मोड भरेगा. ओके, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टाइम और यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट दैट वाज टीएच, डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर करेंगे. ओके, एक्स एक्सिस पे हम लोग देख लेते हैं टाइम को. ओके, देखिए बहुत आसान है. जो हमें देखना है कि हमारे पास जो टाइम है वो 20 मिनट्स का टाइम है, एक लॉन्ग रेंज है वैल्यूज़ की ना. और यहाँ पर मेरे पास टोटल स्मॉल बॉक्सेस जो पढ़ेंगे वो देख लेते हैं कितने, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. यानी टोटल मेरे पास 80 या लेट्स से 90 बॉक्स है मेरे पास. इन 90 बॉक्सेस के अंदर मैं 20 मिनट्स को प्लॉट करूँगा. अगर मैं बड़ा स्केल रखूँगा तो मेरा ग्राफ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, एक बड़े स्केल पर ग्राफ आ रहा होगा, स्प्रेडेड होगा. अगर मैं छोटी वैल्यूज़ रखूँगा, छोटे बॉक्सेस कम बॉक्सेस को जो है मैं टाइम में कंसिडर करूँगा, तो वहाँ पर मेरा जो है ग्राफ क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा. तो कोशिश ये करनी कि ग्राफ थोड़ा सा स्प्रेडेड बने, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज आ रही है जो कि वेरी कर रही होगी. सही है, तो इसको हम लोग स्प्रेड करने के लिए क्या करेंगे, देखें मेरे पास यहाँ पर 90 बॉक्स है. अगर 90 में से एक निकाल दूँ तो मेरे पास 80 बचते हैं. मेरे पास टाइम कितना है, 20 मिनट्स का. अगर मैं फोर स्मॉल बॉक्स को मैं क्या करूँ, अगर मैं फोर स्मॉल बॉक्स को एक मिनट कंसिडर करूँ तो उससे ये होगा कि 420 का कितना हो जाएगा, 80. 420 आर 80, तो 80 बॉक्स में मेरा टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा फोर स्मॉल बॉक्स में 1 मिनट, फिर फोर स्मॉल बॉक्स में 1, 2, 3, 4 2 मिनट, फिर फोर स्मॉल बॉक्स में 1, 2, 3, 4 3 मिनट, 1, 2, 3, 4 4 मिनट, 1, 2, 3, 4 5 मिनट. तो मैंने क्या देखा कि 5 मिनट जो है वो 20 स्मॉल बॉक्स पे आ रहे हैं. तो ये 20 स्मॉल बॉक्स, फिर ये 20 कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा. फिर ये 20 कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा. और फिर ये 20 कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा. तो यहाँ पर मेरा जो है वो टाइम 20 हो गया. इसको सॉरी, इसको मिनट में लिखना होगा हम लोगों ने. ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर को. तो टेम्परेचर हम यहाँ पे देख सकते हैं, टेम्परेचर की हमारे पास लॉन्ग रेंज है 70 से लेकर 49 तक आ रहा है. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज है कि 49 पे ख़त्म हो रहा है, उससे नीचे वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक बात ये. दूसरी बात ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाफ डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ क्या आ रही होंगी, 0.5 में भी आ रही होंगी. तो कोशिश करेंगे उसको भी कंसिडर करें. तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो ये बचता है कि अगर मैं 10 स्मॉल बॉक्सेस को 10 डिग्री सेल्सियस लूँगा, अगर मैं 10 स्मॉल बॉक्सेस 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये हो कि एक स्मॉल बॉक्स में 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा, तो 0.5 का फैक्टर मैं नहीं ला सकूँगा. अगर मैं 20 स्मॉल बॉक्सेस को 10 डिग्री सेल्सियस लूँगा तो मेरे पास वहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स 0.5 के रिस्पेक्ट से आ रहा होगा, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ हो जाएगा. तो कोशिश करेंगे 20 स्मॉल बॉक्स को 10 डिग्री सेल्सियस करें, बट उसके लिए हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा
स्टार्ट करने हमें 70 से ना, तो अगर 70 से मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल टॉप ले लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं 20 स्मॉल बॉक्स को कंसिडर करूँ, कितना 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 20 ये हो जाएगा 60, देन 10 20 ये हो जाएगा 50, 10 20 ये हो जाएगा 40, फिर आगे वैल्यूज़ मुझे नहीं मिल रही। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे अगली वैल्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं, मुझे 40 से नीचे तो जाना ही नहीं है, तो बेटर है मैं इसको 40 मान लूँ और नीचे वाली वैल्यूज़ को मैं कंसिडर ना करूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 40 20 बॉक्स पे, 60 फिर 20 बॉक्स पे, सॉरी 50 फिर 20 बॉक्स पे 60 और फिर 20 बॉक्स पे 70। आप चाहें तो इस ग्राफ को और अच्छा करने के लिए इसको 5 स्मॉल बॉक्स पीछे कर दें, इसको 5 स्मॉल बॉक्स पीछे कर दें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ स्केल मेंशन कर दें, स्केल मेरे पास है एक्स एक्सिस पे 20 बॉक्सेस में कितने 5 मिनट्स आ रहे हैं, 20 बॉक्स में अगर 5 मिनट आ रहे हैं, सॉरी 20 स्मॉल बॉक्स में मेरे पास कितने आ रहे हैं 5 मिनट, अगर 20 बॉक्स पे 5 मिनट आ रहे हैं तो 10 पे कितना आ जाएंगे 2.5 आ जाएंगे। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 2.5 मिनट्स, ओके। और फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे मेरे पास, वाई एक्सिस पे किस तरह से 20 बॉक्स में 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 बॉक्स में कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। बेटर ये रहता है कि हम हर ग्राफ में एक फिक्स कर लें कि 10 स्मॉल बॉक्स के रिस्पेक्ट से मैंने बनाना है। आप 20 स्मॉल बॉक्स के बराबर के रिस्पेक्ट से बना सकते थे, आप 1 लार्ज बॉक्स 2 लार्ज बॉक्स कैसे भी कह सकते थे, आप यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 मिनट, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि मैं इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलूँगा, इसलिए हम सारे ग्राफ को 10 स्मॉल बॉक्सेस में स्केल लिख रहे हैं उसका। बाल तो स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 मिनट पे 70 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 मिनट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 0 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ओके। देन फर्स्ट मिनट पे कितना हो जाता है 68, तो ये मेरे पास फर्स्ट मिनट है और यहाँ पर 68 हो जाएगा, तो 70 अगर ये 70 है, ये बीच में कितना हो जाएगा 65, और मुझे कहाँ जाना है 68 पे जाना है, तो 2 बॉक्सेस पे 66, 2 बॉक्सेस पे 67, फिर 2 बॉक्स पे 68, ये मेरे पास आ गया 1 मिनट इस तरह से। फिर से देख ले, 2 मिनट पे कितना होना चाहिए 66 होना चाहिए, तो ये मेरे पास 2 मिनट ये रहा, 66 पे लेकर आएंगे, अगर ये 60 है ये 70 है तो बीच में क्या होगा 65 होगा, तो मुझे ऊपर जाना है 66 के लिए, सही है, और मैंने 0.5 कंसिडर किया था तो 2 बॉक्स होंगे तो 1 डिग्री बनेगा, तो ये मेरे पास 1 मिनट, ये 2 मिनट, इसको लेके जाना ऊपर, तो 65 है 2 बॉक्स चलेंगे 66 हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा एक बॉक्स चलेंगे तो 65.5 आएगा, 2 बॉक्स चलेंगे तो 66 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो अगले पॉइंट्स पे क्लियर हो जाएगा। 3 मिनट पे कितना है 64, ये मेरा थर्ड मिनट है और उसमें 64 लेके जाना है, थर्ड मिनट कैसे निकाल रहे हैं हम देख रहे हैं, इस वाली लाइन के बाद 2 बॉक्स हैं, इस वाली लाइन के बाद 2 बॉक्स, ये लाइन, अगर ये 60 है ये कितना हो जाएगा 65, मुझे 64 पे आना, तो मुझे क्या होना पीछे आना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ से पीछे आऊँगा 65 से, अगर एक पॉइंट पीछे आऊँगा तो 0.5 कम होगा, मैं 2 बॉक्स पीछे आऊँगा तो एक पूरा डिग्री कम होगा, तो 65 से कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट 4 मिनट पे 63, ये रहा फोर्थ मिनट, इस पे 63 है, ये कहाँ पर है, ये मिडल वाई लाइन के एक बॉक्स आगे, तो ये मिडल वाई लाइन लेकर गए, इसके एक बॉक्स आगे 65 है, 2 बॉक्स 64, फिर 2 बॉक्स 63, ये आ गया मेरे पास 63, 1 2 1 2, ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या है यहाँ पर, फिफ्थ मिनट पे 62 है, तो ये आया 5, अगर ये 60 है 2 बॉक्स 61, फिर 2 बॉक्स 62, ओके भाई
देन 6 मिनट पे कितना है 61। 6 मिनट कहाँ होगा 1 2 3 4 इस मिडिल वाली लाइन से एक बॉक्स पहले, इस पे कितना लेकर आना है मुझे 61 लेकर आना है। तो ये रहा 60, इससे पहले मेरे पास आ जाएगा 6 मिनट, ऊपर जाऊंगा तो हो जाएगा 61 डिग्री। 7 पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 6 मिनट है इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो जाएगा 7 मिनट। 7 मिनट कहाँ पर है, इस लाइन से दो बॉक्स पहले, तो इस लाइन को लेके चलते हैं और कहाँ तक लेके जाना है 60 पे लेके जाना है। ये लाइन गई यहाँ पर 60 पे, ये आ गया 60, इससे दो बॉक्स पीछे जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 मिनट आ जाएगा, क्योंकि देखें ये रहा इस तरह से। ओके भाई, नेक्स्ट 8 पे 58.5 आ गया। अब इसका थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, पहले तो 8th मिनट ढूंढ लेते हैं। अगर ये 7 है, दो बॉक्स फिर दो बॉक्स, चार बॉक्स के बाद ये आ गया 8 मिनट, तो 8 मिनट को मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इस लाइन के दो बॉक्स बाद है और मुझे कहाँ जाना है 58.5 पे जाना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो 58.5 ढूंढ लेते हैं, इस लाइन को लेकर चलते हैं, याद रहेगा दो बॉक्स, सही है, इस लाइन को लेकर चलते हैं 58 ढूंढ लेते हैं। ये 50 है, 60 है, बीच में क्या हो जाएगा 55, दो बॉक्स 56, फिर दो बॉक्स 57, फिर दो बॉक्स 58। अगर अब दो बॉक्स जाऊंगा तो 59 पे जाऊंगा, तो दो बॉक्स नहीं मैं एक बॉक्स चलूंगा ताकि 58.5 पे आ जाऊंगा। तो दिस इज 58 और ये क्या है अगला 59, तो इन दोनों के बिटवीन क्या हो जाएगा 58.5। तो यहाँ से मैं दो बॉक्स चलता हूँ, ये आ जाएगा 8 मिनट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ओके, अगर चाहे तो इसको और अच्छी तरह देख ले, मैं यहाँ से इसको लाइन लेके जा रहा हूँ। देखें ये 60 है, एक बॉक्स चला 59.5, फिर एक बॉक्स चला 59, फिर एक बॉक्स चला 58.5 जो कि मेरी रिक्वायर्ड थी। अगर फिर एक बॉक्स चलूँ तो 58 आ जाएगा, तो 58 और 59 के बीच में जो एक बॉक्स है दैट इज़ 58.5। आई होप अब ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट 9th मिनट, 9th मिनट पे कितना है 58। अगर ये 8 है 1 2 3 4, ये आ गया 9। 9 कहाँ पर, इस मिडिल वाली लाइन के एक बॉक्स बात है, तो ये लेके चला मैं 9 को और मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे 58 पे जाना है। तो दिस इज़ 9, यहाँ पर 9 है, 55, 56 दो बॉक्स, 57 दो बॉक्स, फिर दो बॉक्स 58, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट 10 मिनट पे 57, ये 10 मिनट है, 57 लेना है, ये 55 है, दो बॉक्स 56, फिर दो बॉक्स 57। ओके, 11th मिनट पे 56 है, 1 2 3 4, इस लाइन से एक बॉक्स पहले, कितना है 56, तो अगर ये 55 है दो बॉक्स कितना हो जाएगा 56, ये रहा 11th मिनट, इस लाइन से दो बॉक्स पहले, एक बॉक्स पहले। ओके भाई, 12th मिनट पे 55, 1 2 3 4, ये आ गया 12th मिनट और यहाँ पे कितना 55 है, तो ये 50 है, ये 60 है, इनके बीच में कितना हो जाएगा 55, तो ये बॉक्स है कहाँ पर, इससे दो बॉक्स पहले, तो यहाँ लेके चले 55, 1 2। ओके, नेक्स्ट 13 मिनट पे 54 है, 1 2 3 4, ये आ गया 13, तो कहाँ पर है, इस लाइन के दो बॉक्स बात है, कहाँ जाना है मुझे 54 पे जाना है, तो पहले चलते हैं 54 पे, ये 55 है, दो बॉक्स नीचे आएंगे 54 आ जाएगा, और 13 मिनट कहाँ पर, हमने देखा इसके दो बॉक्स बाद है, तो यहाँ से गए 1 2। ओके भाई, 14 मिनट 53, 1 2 3 4, ये कहाँ आ गया, इस लाइन के मिडिल वाली लाइन के एक बॉक्स बाद है, कहाँ जाना है 53 पे जाना है, ये था 55, दो बॉक्स 54,
फिर दो बॉक्स 53, इस मिडल वाली लाइन के एक बॉक्स बाद। सही है भाई। देन 15 मिनट पे 52.5, ये 15 मिनट है, 52.5। अब ख्याल करना है ये 50 है, इससे दो बॉक्स ऊपर जाऊंगा 51, फिर दो बॉक्स ऊपर जाऊंगा 52। अब मुझे 52.5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक बॉक्स ऊपर जाऊंगा 52.5। ओके भाई। देन नेक्स्ट 16 मिनट पे 51.5, अगेन 0.5 का फैक्टर है, 1 2 3 4, ये कहाँ पर है, मिडल वाइड लाइन से एक बॉक्स पहले, तो मिडल वाइड लाइन को लेकर चलते हैं। तो ये मेरे पास 50 है, मुझे कहाँ जाना है, 51.5 पे, तो दिस इज़ 51, दो बॉक्स 51। अब 51.5 पे जाना है तो एक बॉक्स जंप करेंगे, सही है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट मिडल वाइड लाइन से एक बॉक्स पहले, 16 मिनट है। आई होप अब ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ओके 17 मिनट 51, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 17 मिनट है, तो ये कहाँ पर है, इस वाइड लाइन से दो बॉक्स पहले, तो इसी लाइन को लेकर चलते हैं। 51 चाहिए मुझे, ये 50 है, 1 2, दो बॉक्स बनाए 51 आ गया, सही है। तो टाइम कहाँ रखना है मुझे, इससे दो बॉक्स पहले, तो ये दो बॉक्स पहले आ गया। ओके बस ख़त्म होने वाला है 18 मिनट पे, 1 2 3 4, ये 18 मिनट है और इस पर मुझे 50 चाहिए, तो ये रहा 50। 18 मिनट कहाँ पर है, इस लाइन के दो बॉक्स बाद है, तो 1 2। ओके 19 मिनट 49.5, 1 2 3 4, ये आ गया 19 मिनट और दिस इज़ 50। 50 से अगर दो बॉक्स नीचे आऊँगा तो 49 आएगा, तो मुझे कितना आना है, एक बॉक्स नीचे आना है, तो कितना हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा, तो दिस इज़ 50 और ये 49 है, तो मैं कहूँगा बीच में यहाँ पर आऊँगा 49.5, कहाँ पर है, एक बॉक्स बाद है, तो ये आ गया एक बॉक्स के बाद। ओके लास्ट पॉइंट 20 पे 49, गिरा 20 लेके चलते हैं, ये 50 है, दो बॉक्स पीछे आएंगे तो ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। ओके इसे ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे, इसे ग्राफ एक फ्री हैंड ड्रॉ होगा, एक कर्व इस तरह से, जितने मैक्सिमम पॉइंट आपके पास मिल रहे हो उनको ड्रॉ करते जाएंगे, सही है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। याद रहे सारे पॉइंट अगेन आपसे नहीं मिलेंगे। स्ट्रेट करने की कोशिश मत करिएगा, जितना कर्व में आ रहा हो उसको बना देगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका कूलिंग कांस्टेंट देख लेते हैं, कूलिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें। कोई कूलिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना होता है, मैं आपको दो सिखा देंगे। हम चार कूलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं आपको, 5th मिनट पे, 10th मिनट पे, 15th मिनट पे और 20th मिनट पे, ये चार कूलिंग कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर ग्राफ में दो देखेंगे और बाकी जो है हम लोग फिर बाकी आप लोग फिर खुद कर सकते हैं। ओके सबसे पहले कूलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं 5th मिनट पे। अच्छा अब देखिए 5th मिनट का मतलब क्या है, 5th मिनट का मतलब ये है कि 4th मिनट जहाँ ख़त्म हो गया 5th वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो 5th मिनट का मतलब क्या है, मुझे T4 से लेकर T5 तक, टाइम 4 मिनट से लेकर टाइम 5 मिनट तक जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है वो मुझे नोट करना है, वो मुझे लिखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखें ये 4 है और ये 5 है, इन दोनों को एक्सटेंड करें, और ये 5th मिनट है, तो ये 4 मिनट गुजरे, ये 5 मिनट गुजरे। इस इंटरवल को मैं क्या कहूँगा, इस इंटरवल को कहूँगा मैं 5th मिनट। 5th मिनट इस तरह से होगा, जहाँ पर 4 मिनट ख़त्म हो गए 5वां स्टार्ट हो गया, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक 5वां ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो इस इंटरवल में जो टेम्परेचर का चेंज आया है वो मुझे नोट करना है। अब देखिए वो कैसे नोट करेंगे, एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, आप पॉइंट को मत देखिएगा, आप लाइन को देखिएगा, आपको लाइन एक्सटेंड करनी है, ना कि आपने पॉइंट तक लेके जाना है, आपको लाइन से मैच करवाना है।
क्योंकि अब देखते हैं टेम्परेचर कितना चेंज आ रहा है। याद रहे ये 4 है, ये 5 है, तो ये इंटरवल कहलाएगा 5th मिनट। इस पर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है ये देखते हैं। ये मेरे पास 60 है, ये 65 है, सही है। तो यहाँ से आए 2.64, फिर 2.63, तो यहाँ पर कितना है 63। फिर 1, 2, दो बॉक्सेस हैं तो कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पे 63 से कितना चेंज आ रहा है, 62 तक का चेंज आ रहा है। किस में? 5th मिनट के इंटरवल में। लाजमी नहीं है, वैसे तो इत्तेफाक की बात है, ये हमारी इस वैल्यू से मैच कर रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इन वैल्यू से मैच करें, सही है। ओके, तो कूलिंग कॉन्स्टेंट फॉर 5th मिनट कूलिंग कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डेल्टा टी फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया है, डिवाइडेड बाय मीन टेम्परेचर ऑफ द इंटरवल, इस पर बात करते हैं अभी, खैर, माइनस रूम टेम्परेचर। ओके, तो ये हम लोगों को चाहिए होगा। सबसे पहले डेल्टा टी क्या हो जाएगा, देखें 5th मिनट के इंटरवल में हमने देखा टेम्परेचर 63 से कहाँ कर गिरा, 62 पे गिरा। ओके, अब सबसे पहले डेल्टा टी की वैल्यू देखें, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर का चेंज कितना आया 1 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 लिख दिया। मीन टेम्परेचर ऑफ द इंटरवल, ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर हम लोगों ने यहाँ लिखना है। तो मीन टेम्परेचर टी एम क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ द इंटरवल, तो इन दोनों का मीन क्या हो जाएगा 63 और 62 का, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 62.5। इसको निकालने का क्या तरीका है, आप दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा मीन टेम्परेचर ऑफ द इंटरवल। तो ये हो जाएगा 62.5, यहाँ पुट कर दिया। रूम टेम्परेचर आपको याद होगा, रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था, तो ये मैंने 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पुट कर दिया। अब जो है वो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.028 ये आ रहा है कूलिंग कांस्टेंट। और याद रखें कूलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.03 के अराउंड ही आती रहती है, तो हमारे पास बहुत करीब वैल्यू आ रही है। एक मरतब और देख लेते हैं कूलिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5th के बाद 10th मिनट के लिए करते हैं। अब अगेन 10th मिनट का मतलब समझें, 10th मिनट का मतलब क्या है कि जहाँ पर 9 मिनट्स पूरे हो गए, 10th मिनट स्टार्ट हो गया, वहाँ से हमारा 10th मिनट स्टार्ट हो गया, और ये कब तक चलता रहेगा, जब 10th मिनट ख़त्म नहीं हो जाए। कहने का मतलब ये कि ये जो इंटरवल है ये हमारा 10th मिनट कहलाएगा। इस इंटरवल में टेम्परेचर का कितना चेंज आया वो हमने नोट करना है। तो अब हम अगेन लाइन तक एक्सटेंड करेंगे, पॉइंट की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए लाइन कहाँ तक चाहिए, देखिए इसमें फ़र्क आ रहा है, अगर यहाँ पर मैं दिखा सकूँ, ये 9th मिनट है, लाइन यहाँ पर है, पॉइंट ऊपर है, तो मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, लाइन तक लेके जाऊँगा, पॉइंट को नहीं देखूँगा, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल कैलकुलेशन करनी है। ये आ गया लाइन तक, और ये 10th मिनट मेरा। अगेन 10th मिनट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9th मिनट भी पॉइंट से पहले, 10th मिनट भी पॉइंट से पहले, तो लाइन को देखेंगे ना कि पॉइंट को देखेंगे, इस बात का बहुत ख्याल करिएगा। ओके, अब इनको एक्सटेंड कर देते हैं। जब लाइन से लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, तो इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप बिल्कुल लाइन को देख के करना है, आपने पॉइंट्स को नहीं देखना। ओके, तो 9th मिनट पे ये रहा टेम्परेचर, 10th मिनट का टेम्परेचर ये रहा, इन दोनों को देख लेते हैं कितना है। अगर ये 60 है, ये 50 है, तो इनके बिटवीन ये कितना हो जाएगा 55, तो दो पॉइंट्स देखते हैं, 1, 2, 51, 51.5, तो यहाँ पर मेरे पास है 51.5, फिर यहाँ पर 51.5, 52, फिर अगला क्या हो जाएगा 52.5,
सही है। तो ये 52.5 है, ये 51.5 है। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपने पास नोट कर रहे होंगे, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर वैल्यूज़ किस तरह से हम देखेंगे, सही है। तो क्योंकि आप सारी वैल्यूज़ अगर लिखेंगे तो अगले दो कॉन्स्टेंट आपने और कैलकुलेट करने हैं, तो काफ़ी मैस हो जाएगा यहाँ पर, तो बेटर है इसको यहाँ पर ना लिखें, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो 52.5 से 51.5 का चेंज आया। तो 10th मिनट के इंटरवल में 52.5 से 51.5 का चेंज आया, 1 डिग्री का चेंज है। कूलिंग कांस्टेंट निकालना है हम लोगों ने, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज आया, मीन टेम्परेचर ऑफ द इंटरवल और उसके माइनस रूम टेम्परेचर, सही है। तो टेम्परेचर का चेंज कितना आया, 1 डिग्री का चेंज आया। मीन टेम्परेचर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, तो एवरेज कितना, मीन टेम्परेचर कितना आ रहा है हमारे पास, 52 आ रहा है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, 51.5 52.5, क्या तरीका है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। रूम टेम्परेचर कितना था, 27 था हमारे पास, तो दिस विल बी 25, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.04 आ रहा होगा। कूलिंग कॉन्स्टेंट कितना आ गया, 0.4, तो अगेन 0.03 के अराउंड आ रहा होगा। ओके, आई होप ये अगेन क्लियर होगा। फिर आपने क्या करना है, यही सारी वर्किंग आपने 15th मिनट के लिए करनी है। 15th मिनट का मतलब क्या होगा, 14 से लेकर 15, ये इंटरवल देखेंगे, इस पर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कूलिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करेंगे। देन आपने करना है लास्ट मिनट, यानी कि 19 से लेकर 20 तक, ये सारी वर्किंग करनी है और फिर कूलिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना है। आई होप ये क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।